इंशाल्लाह तारीफ हम बाद में करेंगे प्रोग्राम के मैच जब शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तारीफ अगर किसी टीम की बनती है वो अफगानिस्तान की। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, इतने अच्छा उनकी बैटिंग के अंदर जो मैच्योरिटी हमें अचानक से नज़र आई है ना, जो पहले एक दो मैचों के बाद नजर आई है कि जिस वो वाकई 50 ओवर को 50 ओवर की तरह ही उनके बैट्समैन खेल रहे हैं, जो उनके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था ना कि सिर्फ T20 की टीम है और T20 में मतलब बहुत बेहतर है वो वनडे से हमें लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से लास्ट 3 मैचेस खेले हैं ना तो ऐसा लग रहा है पता कितने पुराने प्लेयर हैं, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर है और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जो उनके अंदर है ना अफगानी प्लेयर सारे बूम बूम है वो वाला चक्कर नहीं, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेली है इन लड़कों ने और मजा आ रहा था, यकीन करें क्योंकि कोई प्रेशर नहीं आ रहा था उनके, क्योंकि वो है ना कि एक दो ओवर अच्छे मिडिल चले जाए देन बड़े शॉट के लिए चले जाए, ना 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 बहुत जबरदस्त, जहां पे हिटिंग की जरूरत थी उन्होंने हिटिंग की है, तो इसलिए मैं अफगानिस्तान की टीम की तारीफ कर रहा था। ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है पहले मैच से, जो इंग्लैंड के खिलाफ जीता वो लगा चले इंग्लैंड डाउन एंड आउट है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा जी पाकिस्तान को तो बहुत दफा चैलेंज, मगर कल जिस तरह मैच्योरिटी जो आप बात कर रहे हैं देखिए उनके साथ जो इंग्लिश कोच है ट्रॉट, यार वो मेरे ख्याल में उसको क्रेडिट उसको भी देना चाहिए कि इस तरह ठक करके चेंज होना की कोई मजाक नहीं है, लेकिन उस बंदे ने वाकई उनको बिठा के समझाया होगा बिहाइंड द सीन्स क्या स्ट्रेटजी चल रही थी, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो भी दिखा सके तो हम बिल्कुल वो दिखाना चाहेंगे, दैट देयर वाज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी। हम मुशी भाई हमेशा एंडी फ्लावर की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रेटजी वेरी वेल सॉर्टेड, 10 ओवर में जो है वो ऊपर 50 लिखा हुआ है जो कि तस्वीर में दिख नहीं रहा है, 10 ओवर में 50 रन बनाने, 20 ओवर में 100 बनाने, 30 में 150 और ये 48 ओवर में कि आखिरी 2 ओवर से पहले खत्म कर दो कि प्रेशर ना पड़े दिमाग पे और ये टारगेट अचीव कर लेना, एंड देन वो सामने लिख रहे हैं अचीव क्या है, कितने कितने अचीव किए, कितने जो प्लान था कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जैसे 20वें ओवर तक आप देख रहे हैं कि 89 है 13 रन पीछे हैं, बिल्कुल उसके बाद आगे किया और 11 रन पीछे हैं एंड 10 ओवर में आप 1 रन प्लस पर आ गए। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वैसे ये जो इन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है ना, हाउ सिंपल इज दैट, आप जब एक बैट्समैन सेट होकर इच्छा करता है ना तो उसको पता है कि यार 10 ओवर में 50, हाँ बीच में कई दफा 2 ओवर मेडन चले जाते हैं ना, तो दे एक सेट बैट्समैन को पता है मैं कहीं ना कहीं से पकड़ लूंगा एक दो ओवर, तो ये उनकी सबसे अच्छी जो है ना जोनाथन ट्रॉट की जो सबसे अच्छी खूबी ये है कि उसने बड़ी चीज़ों को सिंपलीफाई किया है और ये सिंपल ये क्रिकेट गेम ही सिंपल है, आप इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते रहो ना स्कोर बोर्ड को, हमारे दौर में क्या होता था लकीली व्हाई वी वर मोर स्ट्रीट स्मार्ट बिकॉज हम स्कोर बोर्ड को देख रहे होते थे 7 ओवर चाहिए 6 ओवर चाहिए, आप आहिस्ता 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 जब आप टारगेट के करीब होते हो ना तो कई दफ़ा जैसे कोई भी बैट्समैन खेल रहा होता है उसको जो सेट बैट्समैन होता है ना वो कहता है देखो तुम अब विकेट लूज नहीं करनी, अब आने वाले बैट्समैनों के ऊपर चांस नहीं ना हम खत्म करके जाते हैं, इसमें 2-3 ओवर अगर अच्छे भी चले जाते हैं डज नॉट मैटर, अच्छा कई दफा ऑपोजिशन कैप्टन मेन बॉलर लेके आता था तो हम एकदम मैसेज चले जाता है इसको विकेट नहीं देनी, इसको डिनाई कर दो विकेट, ये 2 ओवर के लिए विकेट लेने आया इसको विकेट, ये छोटी छोटी कम्युनिकेशन और छोटे छोटे प्लान्स होते हैं ना ये टीमों को बना देते हैं, एंड क्रेडिट गोज टू जोनाथन ट्रॉट एंड हिज होल स्टाफ एंड दे अचीव द टारगेट इन द 46th ओवर, 48th ओवर तक भी नहीं गए जहाँ वो लास्ट 10 ओवर्स के उसमें बर्स्ट मारनी थी, वहाँ उन्होंने वो बर्स्ट जिस तरह कहते हैं ना कि रन्स की बर्स्ट की और दे अचीव्ड इट बिफोर, इट्स ओनली अ गेम ऑफ क्रिकेट, आज अच्छा खेलें कल अल्लाह करे और भी सब अच्छा खेलें, लेकिन यू हैव अ गुड डे एंड अ बैड डे, शाहिद ने जो मुश्ताक ने बात की है उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया और ठीक है वी गिव क्रेडिट टू ट्रॉट, लेकिन आई विल गिव क्रेडिट टू पीपल लाइक इंजमाम एंड अदर्स जिन्होंने इनको बेसिक कोचिंग दी हुई है, बिल्कुल दी अफगानिस्तान को, आई मे बी बायस्ड बट पाकिस्तान इज अ लॉट ऑफ इज अ वेरी बिग रोल इन डेवलपिंग अफगानिस्तान, नो डाउट वो हमारे खेलते रहे, यू स्टार्ट विद कबीर खान यू देन इंजमाम उल हक देन उमर गुल उमर गुल यूनुस खान यूनुस खान बिल्कुल आर आर प्लेयर्स हैव कोच्ड देम रियली वेल, ये जो चीज होती है वो कहते हैं ना व्हेन द पुश कम्स टू क्रंच फिर आप इमीडिएटली मैच्योर हो जाते हो और फिर आपको ट्रॉट हो गया या कोई और हो गया वो फिर आपको और पुश करता है, फिर आपके प्लान्स बन जाते हैं कि भाई आपने इस टारगेट सेक्टर के अंदर खेलना है एंड दैट्स हाउ इट इज, बट आई थिंक पाकिस्तान गेट्स द क्रेडिट फॉर दिस, हमने हर चीज बनाई है लेकिन नहीं क्रेडिट तो देंगे, क्रेडिट तो छीना जा नहीं सकता पाकिस्तान से, हमारे डोमेस्टिक में अफगानिस्तान की टीम खेलती रही है T20 डोमेस्टिक में अफगान पैंथर्स के नाम से, देयर वाज अ टीम कंप्लीट टीम दैट वाज फॉर अफगानिस्तान एंड दे हैव फीचर्ड इन आवर T20 फॉर्मेट्स एज वेल, फिर उसके बाद देयर वर ये इतने सारे राशिद खान
He started off from Islamia College, I believe. Peshawar. Peshawar. जितने भी लड़के हैं पाकिस्तान के, मुशी भाई, ये सारे अरशद खान की अकेडमी से आके छोटे बड़े हुए. बिल्कुल. अच्छा, ये इसका सबको क्रेडिट देते जाता है, मगर साथ साथ इनके सीनियर प्लेयर को, नबी को, राशिद को, इनको बहुत क्रेडिट देते हैं. आई थिंक मैंने देखा कि एकदम देखा जब इनकी इनको फैंटी पड़ रही थी ना, तो राशिद ने आके सबको इकट्ठा किया और फिर एक ने हडल की, हालांकि कप्तान और था, मगर ये होती है एक बाउंडिंग एक टीम की. सीनियर प्लेयर जो अपनी ऑनरशिप लेता है ना, तो वो सीनियर प्लेयर जब ऑनरशिप लेता है ना, तो आप देखते हैं रिजल्ट ऐसे ही आते हैं फिर. और कोई नंबर वन खिलाड़ी नहीं है लाला उनकी टीम रैंकिंग की बात करें ना, कि रैंकिंग में टॉप पे प्लेयर है, एक है, दो है, तीन है, लेकिन उसके बावजूद पूरी टीम गेम हम बात करते हैं और मैच विनर्स, सारी टीम ही उनके मैच विनर्स दिखाई दे रहे हैं. मैच विनर्स सीनियर प्लेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. कप्तान को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है सीनियर प्लेयर. अब कप्तान के ऊपर है कि सीनियर्स को लेके किस तरह चलते हैं. तो सीनियर्स का रोल हमेशा से पास्ट में भी बहुत अच्छा रहा है. और सीनियर्स कप्तानी नहीं कर रहे, सीनियर्स वो जो सीनियर टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है. हां बिल्कुल. सीनियर उसे प्लीज बोलो. इफ यू रिमेंबर के बड़ा रिटेलिएशन आई थी जब हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया था, बिकॉज राशिद खान को हटा के हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया था. तो पॉलिटिक्स तो वहाँ पे भी हो सकती थी कि मैं कप्तान था, मैं सीनियर था और मुझे हटा के यंगर कंपैरेटिवली प्लेयर को बनाया गया. बट यू कैन सी दैट सपोर्ट. आपके बड़े मैनेजमेंट के अंदर बड़े अच्छे हो ना, सबको बिठा के हर मसले का हल है सवेरा. मसला आपने बढ़ाना है कि खत्म करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. बिल्कुल सही. अगर आगे आपने बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर छोटी मोटी चीजें ना इसको इग्नोर करता है बड़ा बंदा. वो अपने गोल पे फोकस करता है. हम एज अ लीडरशिप हमने तो ये चीजें देखी हैं, पहले बास्ट में भी देखी है, उन्हीं चीजों को हम अपनी जिंदगी में भी लाने की कोशिश करते रहे. क्योंकि आप फाउंडेशन भी चला रहा हूँ एज अ चेयरमैन, तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो, सीखते बहुत ज़्यादा हो. अगर आपने आगे का सफ़र करना, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, तो छोटी मोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने के लिए आती रहती हैं लाइफ में, लेकिन आपका मकसद वहाँ तक पहुँचना होता है. आप उनको इग्नोर करते हो, सबको साथ बिठाते हो, एक टीम की शक्ल में आप आगे बढ़ते हो. बिल्कुल. और इसी तरह जो है वो आगे बढ़ना चाहिए. जब तक आप और टीम एक स्ट्रांग हो, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ना और बेहतर हो जाता है. बट हम बात करते रहेंगे इस मैच के हवाले से, मगर आज पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन वर्सेस बांग्लादेश. और कोलकाता की कंडीशंस कैसी हैं, बिकॉज दोनों जो प्लेयर्स हैं, दोनों जो कैप्टन्स हैं, उन्होंने कहा कि दे बोथ वांटेड टू बैट. बाबर ने भी यही कहा दैट ही वुड हैव लव टू बैट इफ अगर वो टॉस जीतते. तो क्या कंडीशंस हैं, क्या पिच कंडीशन है आज की इस ईडन गार्डन्स के कोलकाता के मैदान पर, अब वो आपको सुनवाते हैं. जी जनाब, देख ली, ड्राई, वेरी ड्राई, वेरी ड्राई. और हमारे पास अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो हैं एम्पल इनफ ऑप्शंस. अगर हम 11 भी दिखा दें साथ ही के साथ, तो ज़रा हम बाकी पूरी 11 पे भी बात कर लेंगे. सो क्या इस वक्त 11 उतरेगी मैदान में पाकिस्तान टीम की? पाकिस्तान टीम ने तीन चेंजेस किए. जी फ़खर जमान आए हैं इमाम की जगह, बाकी वही लड़के हैं. फिर आगा सलमान आए हैं मोहम्मद नवाज की जगह, उसामा मीर शादाब खान की जगह. ये हमारी प्लेइंग 11. वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑपोजिशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्क्वाड. ओके, बिल्कुल ठीक है ये टीम जो है. आई नो हम काफी अरसे से मैं और मुशी भाई बात कर रहे थे कि जेन्युइन जेन्युइन ही होता है, उस पर हम बात कर रहे थे. लेकिन अगर आपके पास चार जेन्युइन बॉलर हैं, उसके बाद दो इफ्तिखार और आगा सलमान, क्योंकि ये रेगुलर बॉलिंग करते हैं ये दोनों, ये अब मैं इनको ये नहीं कह सकता कि पार्ट टाइम है, और दो ऑफ स्पिनर हैं. ऑपोजिशन के पास खब्बे बीच में बैट्समैन हैं, उनको ये दोनों तंग करेंगे. और साउथ भी थोड़ी बहुत बॉल कर लेते हैं, साउथ भी थोड़ी बहुत, बल्कि अच्छी खासी वो भी बॉल कर लेते हैं.